नमस्कार, मैं हूँ सुरभि। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर नगर निगम पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष तो विपक्ष, अब आम जनता भी नगर निगम के कार्य से खुश नजर नहीं आ रही है। जबलपुर नगर निगम पर विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था, साथ ही साथ अब आम जनता ने भी नगर निगम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम नागरिकों का कहना है कि नगर निगम लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में घुसता जा रहा है। शहर की कई सड़कें जर्जर से भी कई गुजरी हालत में हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इन दिनों सड़कों पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, परंतु प्रशासन को इस बात की सुध तक नहीं है। मटेरियल सही नहीं रह पाता है, इसका इसी के कारण है, ये सब खराब होती रहती है। राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निवास स्थान पहुंचे। निवास स्थान पहुंचकर वे क्षेत्रीय नागरिकों एवं पत्रकारों से रूबरू हुए। ललितपुर के विधानसभा महरौनी से बीजेपी विधायक मनोहर लाल पंत मन्नू कोरी उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद आने पर जनपद की सीमा पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं उसके प्रशंसकों ने उनका भव्य स्वागत कर मालाओं से ला दिया। मंत्री जी का ललितपुर जनपद में जगह जगह स्वागत किया गया। हर तरीके से हम उनकी मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश का नारा है, खाली प्लाट हमारा है और मुलायम सिंह का किनारा है। देश प्रदेश में लगातार महिलाओं से हो रही चेन स्नेचिंग के ग्राफ बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक रोड में चलती महिलाओं की चेन स्नेचिंग के मामले सामने आ रहे थे। अब स्नेचरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर बैठी महिलाओं को भी चेन स्नेचिंग का शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला जिबाजी थाना क्षेत्र से सामने आया है। सुबह 7:30 बजे एक वृद्ध महिला अपने किराने की दुकान में बैठी थी, तभी एक युवक सामान लेने के बहाने आया और वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर भाग निकला। वृद्ध महिला ने चीख पुकार लगाई, लेकिन इतनी देर में चोर फरार हो गया। जानकारी लगते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई एवं जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरा में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। पूछने के सवाल ही नहीं उठता, पेपर पढ़ रही थी, वो झपट के निकल गया। मैं तो एकदम चौके हुए, भक्ति हुई वहाँ तक। कितने लोग थे वो? दो जो थे ना, एक्टिवा वाला था तो वहाँ खड़ा था एक्टिवा वाला, और ये छोरा तो अकेला ही था। ये ले उस एक्टिवा वाला को मैं बोल रही, ये भैया मेरी चेन ले गया, लो ला रहे मैंने कहा तू तो जा चला के ला, तो उससे मिला हुआ था, डॉक्टर जाके बिठा के ले गया। कॉटन फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस ने मौके में पहुंचकर दमकल की गाड़ियों के साथ मिलकर आग में काबू पा लिया है। विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर क्षेत्र में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब महाकाल मंदिर में भस्म आरती द्वार से लगी दुकानों में अचानक आग लग गई। मंदिर के भस्म आरती द्वार के पास एक दुकान में भोजनालय संचालित हो रहा था, जिसमें रखे गैस सिलेंडर में अचानक रिसाव हुआ और गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक चार दुकानों में आग फैल गई। घटना की जानकारी महाकाल थाना पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड को दी गई। दमकल की एक दर्जन गाड़ियों ने लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आगजनी की घटना से दर्शनार्थियों में अफरा तफरी मच गई। आग को बढ़ता देख महाकाल थाना पुलिस ने मार्ग बंद कर लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया। एक रुई की फैक्ट्री के अंदर आग लगने की सूचना मिली है। अभी देख रहे हैं आप लोग, लपटें निकल रही है, धुआं निकल रहा है, इसके कारण फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है। बैरिकेड लगाकर मार्ग बंद किया। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के दौरान दमकल कर्मियों ने दुकान से 6 सिलेंडर निकाले और समय पर सिलेंडर निकालने से बड़ा हादसा टाला जा सका। उल्लास नदी के किनारे स्थित अंजुल गांव में लगातार पिछले कई महीनों से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की। उसके पहले ही दारू बनाने वालों ने सारी अवैध दारू नदी में बहा दी, जिससे नदी के लाखों मछलियां मर गई। नारकोली पुलिस स्टेशन में अंजुर गांव के उल्लास नदी के किनारे जंगल में दारू बनाने वाले को रविवार को पुलिस पकड़ने पहुंच, मगर वहां दारू वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया और दारू बनाने वाली सामग्री नदी में फेंक दी, जिसके कारण नदी में लाखों मछलियां मर गई। घटना स्थल पर कवर करने पहुंचे तो करीब 7 किलोमीटर जंगल के बीच में दारू का अड्डा था। पास ही में उल्लास नदी की खाड़ी थी, जिसमें छोटे नाव के जरिए दारू शहर से बाहर भेजी जाती थी, मगर पुलिस पहुंचने के कारण दारू बनाने वाले सामग्री नदी में फेंक कर फरार हो गए।
गए, मगर नदी में रसायन फेंकने से लाखों मछलियां मर गई। गांव के मछुआरों ने बताया कि नदी में कंपनियों से निकलने वाले केमिकल के कारण पहले से मछलियां कम हो गई है। वहीं गांव के पूर्व सरपंच का कहना है, देवा के जंगल में 7 से 8 देशी दारू की भट्टी है, मगर मीडिया में खबर चल रही है दारू के कारण मछली मर रही है, वह सही नहीं है। मछली केमिकल के कारण मरी है, जिसके कारण सैकड़ों गांव के लोग जो मछली बेचकर गुजारा करते थे उन्हें तकलीफ होगी। कितनी संख्या में थी और उसका कारण क्या है? ये भिवंडी तालुके में अंजूर गाँव है, यहाँ पे अंजूर खाड़ी में जो उल्लास नदी का पानी आ रहा है उसमें केमिकल का पानी कंपनी वाले छोड़ रहे हैं। इसके वजह से वो केमिकल का पानी हमारे खाड़ी में खाड़ी के नाले में घुस गया, उसके वजह से वो पानी दूषित हो गया और उसके वजह से वो मच्छी पूरा मर गया। उसके कारण हमारे पोली बांधव है, इनका मच्छी मारने का जो उपजीविका है अपना, जो उसके ऊपर आ जाए। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा पवई समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 300 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य ऐसे मरीजों को दवाई एवं चेकअप उपलब्ध कराना था जो पैसों के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा पवई में स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई में संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 300 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण में निशुल्क एक्सरे, ब्लड टेस्ट, गर्भवती महिलाओं की जांच, कुपोषित बच्चों की जांच एवं उपचार एवं लंबे समय से खांसी व टीबी से पीड़ित मरीजों की जांच की गई। ग्रामीण अंचलों में निवासरत ऐसे गंभीर मरीज जो चिकित्सा के अभाव में मौत के मुंह में चले जाते हैं, इसी उद्देश्य को लेकर वन विभाग द्वारा दीनदयाल वनांचल सेवा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जो निशक्त हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके लिए यह योजना लॉन्च की गई। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।